अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं दो तरह के पकौड़े। इसके लिए पहले हमने आलूओं को उबाल लिया था, अब हम उन्हें मसल लेंगे। अब मसलने के बाद हम इसमें महीन कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और महीन कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब हमने सारी चीजें इसमें डाल दी हैं, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे अब हम इसमें भुनी हुई धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें नमक, काला नमक और अमचूर पाउडर डालेंगे, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। अब सारे मसाले डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर है, इससे हम आलू की टिक्की बना लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम ऐसी ही नई रेसिपीज के साथ रोज रात 9 बजे आते हैं। यहाँ पे हमने आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं, अब हम इसका बैटर बनाएंगे जिससे हम इन्हें कवर करके तल सके। अब यहाँ पे हमने बेसन लिया है, इस बेसन में पानी डाल के हम इसका घोल बना लेंगे। अब हमने इसमें रेड चिली पाउडर और नमक डाला है। नमक इसमें आप कम ही रखिएगा क्योंकि हमारे आलूओं में भी नमक है। और यहाँ पे मिक्स करते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हमें बैटर को पतला रखना है। पतला रखने से हमारा जो पकौड़ा होगा वो बहुत ही कुरकुरा बनेगा, इसे थिक बिल्कुल नहीं रखना है। अब जो हमारी टिक्की थी, हम उसे बेसन में कवर कर लेते हैं और इसे तल लेते हैं। और ये जो हमने पकौड़े तले हैं, इसके लिए हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में तलने से पकौड़ों का मज़ा दुगना हो जाता है। यहाँ पे हमारे पकौड़े एक तरफ से तल चुके हैं, अब हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी तल लेंगे। इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से तल लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से कुरकुरे हो जाएं। जब यहाँ पे आलू के पकौड़े तल चुके हैं तो चलिए हम अपने दूसरे पकौड़े की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे आलू के पकौड़े तल चुके हैं। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं और उन्हें हम बीच से काट लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक स्लाइस के ऊपर आलू लगाए हैं और दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर से दबा के सैंडविच टाइप बना लेंगे।
और इसे अब हम बेसन में डिप कर लेंगे। बेसन में डिप करते वक्त इसे चारों तरफ से अच्छे से डिप कर लीजिएगा ताकि घोल चारों तरफ अच्छे से चिपक जाए। अब हम इन्हें तल लेंगे। यहाँ पे हमारे पकौड़े एक तरफ से तल चुके हैं, अब हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी तल लेते हैं। अब इन्हें आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी दबा